मेरे विरोधी दलों की है, काम कर रही है, वो अफवाह आती है। अमर सिंह तो बूढ़ा है, वो तो दिल्ली भाग गया, वो तो मर गया, कोरोना हो गया। जबकि मैं चैलेंज करता हूँ दोनों कैंडिडेट, मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ, अगर मुझसे आगे निकल जाए तो मैं इसमें बढ़ूंगा। भाई मैंने 4 करोड़ का यहाँ मकान बना के, स्कूल बना के यहाँ आया हूँ रिटायरमेंट के बाद। पिछले 1.5 वर्ष से नारकी में ही मैं अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ तम्बू डाल कर रह रहा हूँ। और आज हमारी नेता अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करके आगे भविष्य में हम बहन जी को आगे दिल्ली तक गद्दी तक ले जाएंगे। बेटे और अपने पति को रोटी 20 तारीख को तब तक मन देना जब तक वो आपको ये दिखा न दे कि मैं अंगूठे पे निशान लगा के आया हूँ, ये वोट डाल के आया हूँ। अगर आप ये सहयोग देंगे तो बहन जी, आपकी बहन जी जरूर मुख्यमंत्री बनेगी। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, संविधान के निर्माता और गरीबों को अधिकार दिलाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के भी चरणों में नमन करता हूँ। इस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब माननीय काशीराम साहब, और उस विचार को आगे ले जाके सत्ता में परिवर्तन करने के लिए सहयोग करने वाली और हमारे को नेतृत्व देने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं नमस्कार, प्रणाम और चरण वंदना भी करता हूँ। आज हमारे मंच पर सौभाग्य की बात है कि हमारे आगरा और मेरठ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय साहब गोरेलाल साहब जी मौजूद हैं, और उन्हीं के सानिध्य में साथ साथ आए मुख्य सेक्टर प्रभारी संतोष आनंद जी और सौरभ जी, साथ में हमारे सेक्टर प्रभारी बारीलाल साहब और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष चौधरी सालिक सिंह जी, जो बहुत ही जुझारू जिले को नेतृत्व दे रहे हैं और कभी कभी गुस्से में आते हैं तो मुझे भी डांट मार देते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आपके पड़ोसी कोटकी के रहने वाले, जो कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात इस समय चुनाव में साथ काम देख रहे हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच में, किसी धर्मवीर जी, सुरेश जी और अमीर सिंह बौद्ध साहब हमारे सेक्टर प्रभारी अभी सामने ही खड़े हैं। या आप सभी माताएं बहनें, बंधुगढ़, भाईगढ़, यूथ और जो भी अगर मीडिया से कोई साहिबान हो तो मैं सभी को सम्मान देता हूं, आदर करता हूं। आज मैं इस पचोगरा के कुंड पार्क में, बाबा साहब के पार्क में आया हूं। इससे पहले भी एक दिन आया था, आप लोगों से मिला था, पर आज मुझे सानिध्य हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ के पदाधिकारी साहब गोरेलाल साहब का मिल रहा है, इसलिए मैं और भी ज़्यादा अपने को प्रसन्नचित और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वैसे तो ये पचोगरा की भूमि हमारे नेतृत्व देने में बहुत पहले से रही है, किसी भी पार्टी के रहे हों, हमारे यहाँ चंद्रभान मौर्य जी 7 बार यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये दूसरी बात है कि कभी कभी वो RLD में रहे, दूसरे दलों में रहे, पर इस क्षेत्र की सेवा करते रहे। इस क्षेत्र के एक बार मंत्री जी बने हमारे GP पुष्कर जी, जो एतमाद में सत्ता सतौली के रहने वाले हैं, और वो भी मेरी तरह ATM के पद से रिटायर होकर बहन जी की सरकार में मंत्री पद से सुशोभित रहे। पचोगरा भूमि हमेशा एक नौजवानों की विचारधारा की शैली रही है, इसलिए मुझे पार्टी के मामले में ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आज इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि हमारे माननीय साहब गोरेलाल साहब ने आपको पार्टी की विचारधारा से अभी अवगत कराया है। वैसे तो आप लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, मीडिया के बुलावे में ना आए और अफवाहों में ना पड़े। जैसे ही उन्हें पता चला है कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीत की तरफ सबसे आगे चल रहा है, तो दोनों पार्टियाँ बिना नाम लिए, आप समझ रहे होंगे, जो मेरे विरोधी दलों की हैं, काम कर रही हैं, वो अफवाह आती है कि अमर सिंह तो बूढ़ा है, वो तो दिल्ली भाग गया, वो तो मर गया, कोरोना हो गया। जबकि मैं चैलेंज करता हूँ दोनों कैंडिडेट, मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ, अगर मुझसे आगे निकल जाए तो मैं इसमें बढ़ूंगा। कभी कभी ऐसी अफवाहें होती हैं, अरे बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है, अरे वो कहाँ लड़ते हैं, वो तो दिल्ली भाग जाएंगे।
भाई मैंने 4 करोड़ का यहाँ मकान बना के स्कूल बना के यहाँ आया हूँ रिटायरमेंट के बाद। इसी गांव नारकी में रहता हूँ और प्रतिदिन 2 बार नारकी से ये सड़क नापते हुए टूला जाता हूँ और फिरोजाबाद जाता हूँ और 2 बार ही लौटता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ का विकास करना है या दिल्ली का विकास करना है? आप मुझे यहाँ का MLA बनाएंगे तो मैं यहाँ का विकास करूंगा, मेरा दिल्ली में कोई दखलंदाजी और अस्तित्व तो नहीं होगा। अतः ये मान लें कि मैं नारकी का मूल रूप से निवासी हूँ और आज पूर्ण रूप से नारकी में रह रहा हूँ। पिछले 1.5 वर्ष से नारकी में ही मैं अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ तम्बू डाल कर रह रहा हूँ। मुझे पता था, मुझे माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है और उसमें मेरी जो आशीर्वाद देने में जो माध्यम रहे हैं वो मेरे बिल्कुल बराबर में मेरे साथ खड़े हुए। इन्होंने मुझे जिसे शिक्षा दीक्षा कहते हैं, इन्होंने कहा कि साहब आप निकल जाओ, इस बार बहुत अच्छा मौका है और मैं आपके बीच में आ गया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बार बहन जी 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, पर वह तभी संभव होगा और वो सिर्फ और सिर्फ तब संभव होगा जब आप इस 20 तारीख को सवेरे 7 बजे लाइन में लगकर हाथी के सामने वाले बटन पर अपने अंगूठे से दबाकर पीपी की आवाज करवा देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन जी को मुख्यमंत्री बनने में मेरी ये सहयोग होगा कि आप मुझे MLA बनाएंगे और मेरा वोट बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगा। बहुत तुम्हारी कहाँ लगेगी? बहुत तुम्हारी कहाँ लगेगी? अतः आपका वोट सिर्फ मुझे MLA नहीं बनाएगा, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। और आज हमारी नेता अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप सब चीज को छोड़ दें, हम अपने नेता को पहचाने और हमारा झंडा नीला झंडा है और हमारा चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, उन्हीं के लिए इन 3 चीजों को याद कर लें। अमर सिंह तो आता जाता रहेगा, मरता जीता रहेगा, पर ये 3 चीजें आश्वस्त हैं, सत्य बनते हैं और ये नहीं पे हमें चलकर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी देंगे और इस राष्ट्रीय दल के स्तर को आगे बढ़ाएंगे और कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करके आगे भविष्य में हम बहन जी को आगे दिल्ली तक ले जाएंगे। इसमें आपकी अच्छी करना है। अतः मैं आपसे अपील करता हूँ, सर्वद प्रार्थना करता हूँ, माताओं बहनों से एक प्रार्थना करता हूँ, अपने बेटे और अपने पति को रोटी 20 तारीख को तब तक मन देना जब तक वो आपको ये दिखा न दे कि मैं अंगूठे पे निशान लगा के आया हूँ, ये वोट डाल के आया हूँ। अगर आप ये सहयोग देंगे तो बहन जी आपकी बहन जी जरूर मुख्यमंत्री बनेगी। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको आज तकलीफ दी है। यहाँ वोट की खातिर मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा। धन्यवाद, आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके क्षेत्र का विकास करता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप जो हमारा जो बैलेट पेपर होगा उस पर मेरा सबसे पहले नंबर का निशान है और मुझे जिता के आप पहले नंबर को देते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।